बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम साजिद खान है और आप लोग वॉच कर रहे हो स्मार्ट टेक्नोलॉजी चैनल को। एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम पोर चैनल रिले मॉड्यूल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम फोर चैनल रिले मॉड्यूल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको जो स्क्रीन पर शो हो रहा है तो ये है फोर चैनल रिले मॉड्यूल। ठीक है, बेसिकली हम इसको फोर चैनल रिले मॉड्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फोर रिलेज होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, इसमें फोर रिलेज है, इसलिए हम इसको फोर चैनल रिले मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, इस वन रिले के जो अगर वोल्टेज रेटिंग की बात की जाए और करंट रेटिंग की, तो ये आप देख सकते हो यहाँ से एसी के लिए ये जो है 10 एम्पेयर से लेकर 250 वोल्ट तक एसी वोल्टेज जो है और करंट ये बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, और डीसी के लिए ये 10 एम्पेयर डीसी और यहाँ पर आप देख सकते हो 30 वोल्ट डीसी और 10 एम्पेयर डीसी करंट जो है ये बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली फोर चैनल रिले मॉड्यूल है। आप इससे एसी अप्लायंसेस जो है वो फोर कंट्रोल कर सकते हैं, इसे आप फोर लाइट्स या फोर पेंस वगैरह ये कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, एसी तो ये इसका पावर साइड है, यानी एसी पावर साइड है। ठीक है, यहाँ से आप इसको एसी अप्लायंसेस जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, डीसी भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बेसिकली ये एसी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसकी अगर डीसी पावर साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो ये नज़र आ रहा है तो इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके पिंस की अगर बात की जाए तो इसमें जो सबसे पहला वाला पिंस है ये ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से आप इसको ग्राउंड प्रोवाइड करोगे। ठीक है, इसके बाद जो है IN1 यानी ये फर्स्ट लोड के लिए यूज़ होता है, IN2 सेकेंड लोड के लिए यूज़ होता है, और ये जो है IN3 जो है ये थर्ड लोड यानी थर्ड रिले के लिए ये यूज़ होता है, IN4 जो है ये फोर्थ रिले के लिए यूज़ होता है, और इसके बाद जो है VCC यानी आपने इसको 5 वोल्ट VCC प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, यहाँ से तो ये जो है बेसिकली आप ये जो है IN1 IN2 IN3 IN4 यानी ये फोर AC लाइट्स हो या DC लाइट्स हो, जो भी आप आउटपुट पे कनेक्ट करोगे तो ये बेसिकली उनके लिए ये पिंस यूज़ होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये टू पिंस होते हैं। ठीक है, तो एक को आपने VCC प्रोवाइड करना है और एक को आपने VCC आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो टू पिंस हैं ये रिले के ऑन आपके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब आगे इसकी जो ये आप देख सकते हो ये MOSFET है। ठीक है, ये फोर चैनल रिले मॉड्यूल है तो इसमें फोर MOSFET लगाई गई है। ठीक है, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, और ये जो है इसके साथ LEDs लगाई गई हैं। हर एक सपोज़ अगर वन नंबर रिले ऑन हो तो उसके लिए ये LED ऑन होगी। ठीक है, ये IN1, और टू नंबर रिले ऑन हो तो IN2 इसके लिए ऑन होगी, थ्री नंबर के लिए IN3 LED ऑन होगी, और ये IN4 जो है ये फोर रिले के लिए ऑन होगी। ठीक है, तो ये फोर रिले है और फोर LEDs है और फोर रिले के लिए ये यूज़ की गई है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेजिस्टर है जो इस LEDs और ये MOSFET की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, ये जो है ये इसमें पाइप डायोड्स यूज़ होते हैं, यहाँ पर ये D1, D2, D3 एंड D4। ठीक है, ये इस रिले के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसके डिफरेंट्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ठीक है, और ये इसका पावर साइड है, यानी यहाँ से आप इसको AC ले सकते हो। ठीक है, ये K1 K2 K3 एंड K4 ये इसकी कामन साइड है, इसको आप यानी पेज प्रोवाइड करोगे। ठीक है, जो AC का पेज होता है तो आप इस कामन को पहले आपने K1 को K2 के साथ कनेक्ट करना है, K2 को K3, K3 को K4 के साथ। ठीक है, और फिर आपने इसके साथ एक पेज इसको आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, फिर ये आप इसको जो हर एक रिले के साथ 3 टर्मिनल्स होते हैं, आपने फिर एक को छोड़ना है और इस एक से आपने हाफ पेज यानी आपने जो AC अप्लायंस है उसको आपने हाफ पेज यहाँ से लेना है। ठीक है, फिर एक को छोड़ना है, यहाँ से हाफ पेज लेना है, फिर एक को छोड़ना है, यहाँ से हाफ पेज लेना है, फिर एक को छोड़ना है, यहाँ से हाफ पेज लेना है। इस तरीके से आप कनेक्ट करोगे तो आपका जो ऑटोमेशन है तो वो फिर इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। ठीक है,
तो ये बेसिकली फोर चैनल रिले मॉड्यूल की फ्रंट साइड है आप देख सकते हो, और इसका जो बैक साइड है तो वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसके बैक साइड की पीसीबी है, ठीक है। और यहाँ पर एक डायग्राम है, ये बेसिकली रिले का डायग्राम, मैं इसको जो एक डायग्राम है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से लेके ये टू पिन जो है ये बेसिकली रिले का कॉइल है, ठीक है। ये बेसिकली रिले का कॉइल है, इस कॉइल के लिए आपने 5 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड करने है, ठीक है। अगर ये 5 वोल्ट डीसी रिले हो तो आपने 5 वोल्ट प्रोवाइड करने, अगर 12 हो तो आपने फिर इस कॉइल के लिए फरेड करने के लिए 12 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। लेकिन ये 5 वोल्ट है तो हम इसको 5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये इसका जो दरमियान यानी कामन पॉइंट है, ठीक है, ये कामन पॉइंट जो है ये एट अ टाइम एक के साथ नॉर्मली क्लोज होता है, तो ये इसके साथ नॉर्मली क्लोज है और इस पॉइंट के साथ ये नॉर्मली ओपन है, ठीक है। तो ये बेसिकली रिले में 5 टर्मिनल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये वही 5 टर्मिनल्स थे, एक रिले को मैंने डिस्कस किया, तो बाकी ये सेम जो है इस सीक्वेंस पर का ओवर करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 चैनल रिले मॉड्यूल की डिटेल के साथ डिस्कशन थी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम 8 चैनल को डिस्कस करेंगे, फिर 16 को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।